हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में काफी बड़े बदलाव किए गए हैं। विराट कोहली ने खुद ही T20 फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ दी थी। अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उनसे वनडे टीम की कप्तानी भी छीन ली है। इसे आप छोड़ना ही कह सकते हैं, क्योंकि कोहली कप्तानी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि BCCI ने कोहली को कप्तानी छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय भी दिया था। PTI ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा कि कोहली ने पहले T20 की कप्तानी छोड़ दी थी, ऐसे में BCCI ने उन्हें वनडे की कप्तानी से भी इस्तीफा देने के लिए 48 घंटे का समय दिया। BCCI की सिलेक्शन कमेटी ने इस तय समय तक कोहली के रिस्पांस का इंतजार किया। जब कोहली की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिला तो उन्होंने 39वें घंटे में खुद ही फैसला ले लिया और रोहित शर्मा को T20 के साथ वनडे टीम की कप्तानी भी सौंप दी। बोर्ड ने यह फैसला 2023 में भारत में ही होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए लिया है। हालांकि अब तक कोहली की तरफ से कुछ भी बयान नहीं आया है। रिपोर्ट के मुताबिक कोहली 2023 में होने वाले वर्ल्ड कप तक कप्तान बने रहना चाहते थे, लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें यह मौका नहीं दिया। कमेटी ने तभी यह फैसला कर लिया था जब टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी। कोहली करीब 5 साल से टीम की कमान संभाल रहे थे, ऐसे में सिलेक्शन कमेटी उन्हें सम्मानजनक विदाई देना चाहती थी। उन्होंने मौका भी दिया, लेकिन अंत में कमेटी को अपनी कलम चलानी पड़ी और कोहली को कप्तानी से बर्खास्त कर दिया। कोहली हमेशा से ही पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के उलट आक्रामक तेवर के लिए जाने जाते हैं। जिस समय भारत T20 विश्व कप के ग्रुप चरण से बाहर हुआ, उसी समय कोहली को कप्तानी से हटाया जाना तय हो गया था, लेकिन BCCI अधिकारी पिछले 4.5 साल से टीम के कप्तान को सम्मानजनक रास्ता देना चाहते थे। अंत में ऐसा लगता है कि कोहली ने BCCI से कहा कि उन्हें बर्खास्त करके दिखाओ, और खेल की शीर्ष संस्था ने आगे बढ़कर ऐसा ही किया और फिर उनके सामने इसे स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। कोहली की कप्तानी का दौर खुद ही एक शानदार रास्ता रहा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने नेतृत्व में कोहली को तैयार किया था, और जब उन्हें लगा कि समय आ गया है तो उन्होंने सफेद गेंद की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। अगले 2 वर्षों में कोहली टीम के ताकतवर कप्तान बन गए, जो अपने हिसाब से चीजों को करने के लिए आगे रहते थे। फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई प्रशासकों की समिति ने उनकी हर एक मांग को पूरा किया। तो दोस्तों, कोहली को कप्तानी से हटाने पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल एज एजेंडा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले पता चल सके। वेल फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।